बात करेंगे अब मुरैना की, जहां किसान कड़ी धूप में टोकन लेकर कृषि मंडी के वितरण केंद्र के बाहर खाद के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि लापरवाह बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, लंबी लंबी कतार, किसान खाद के लिए परेशान। किसान प्रधान देश में खुद किसान रोजमर्रा की खेती के लिए जूझ रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के किसान हर जरूरी चीज के लिए परेशान हैं, कभी चारा तो कभी खाद। मुरैना के इन किसानों की लंबी लाइन इस बात की गवाह है कि सिस्टम में चूक तो है। इन दिनों किसान सरसों की बोनी की तैयारी में जुटे हैं, जिसके लिए डीएपी खाद अगर सही मात्रा में समय पर नहीं मिला तो किसानों के पैदावार पर काफी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीएपी खाद में नाइट्रोजन मौजूद होता है, पैदावार बढ़ाने की क्षमता ज्यादा होती है, मिट्टी पर छिड़कने के बाद आसानी से घुल जाती है, पौधों को जरूरी पोषक तत्व देता है। लेकिन शहर के कृषि मंडी के वितरण केंद्र पर किसानों को कभी कभी खाद के लिए टोकन मिलता तो है, पर सुबह से शाम हो जाती है पर खाद नहीं मिलती। ये हैं वो परेशान किसान जो सुबह से शाम कड़ी धूप में पिछले 5 दिन से लाइन लगा रहे हैं, लेकिन खाद बांटने वाले समय पर आते ही नहीं और काउंटर बंद कर दिया जाता है। कहाँ से आया दादा? कितनी देर हो गई लाइन में लगे हुए? कम से कम 3-4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए? क्या नंबर आया नहीं? क्या कहाँ से आएगा नंबर? अच्छा, वो सो के आ रहे हैं 11 बजे, हाथ को पर्ची कौन बांटे? कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? कम से कम 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से काट रहे हो, खाद नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। अधिकारियों से शिकायत नहीं की? अधिकारी जा रहे, कोई सुन रहे अधिकारी किसानों को? खाद के लिए आए हैं भाई साहब, 4 दिन से परेशान रहे हैं। शुक्रवार को हमारे खाद लेने के लिए नौकर आए बटना खाद, और शनिवार की इतवार की छुट्टी है, सोमवार को आए आइयो। मैंने कि कैसे हैं आधार कार्ड लेकर आइयो। कल हम 9:30 पाए गए और 9 के टोकन तो मैंने कि टोकन की हमते तुमने कही कहीं, और कल टोकन बांटे हो दे 7 बजे, आज 8:30 बजे उन्हें बांटे टोकन, 9 बजे गए। 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं? हाँ, 4 दिन से ग्राहक कच्चे करके आए रहे, आज नौकर टे अब किताब देगा खेत की, किसान किताब लेकर आए ना, कलम हमते नहीं कही किताब की, वो 1 cc और दे रहे हैं cc यूरिया देने। हाँ, जबरदस्ती दे रहे हैं? जबरदस्ती जबरदस्ती, किसान मांग तो है और ना ही करते हैं ना, दे रहे हम तो जबरदस्ती दे देते हैं 250 की सीसी देंगे तो खाद मिलेगा। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला किसानों को भी इतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर पर छोटे बच्चों को छोड़कर सुबह 4 बजे से खाद के लाइन में लगी ये महिलाएं अपनी परेशानी बता रही हैं। हम छोड़े के आए, बच्चा बच्ची लेके आए के छोड़े आए घर पे ही, और यहाँ लाइन में लगी थी। घर में और कोई नहीं है? अच्छा, पर्ची मिल गई? इन अव्यवस्थाओं पर ना तो किसी का ध्यान है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी खाद वितरण केंद्र पर पहुंच रहा है। 1-2 कर्मचारी सुबह पहुंचते हैं, वो टोकन बांटकर चले जाते हैं। ना यहाँ पानी है और ना ही छाया की कोई व्यवस्था। किसान तपती धूप में घंटों खड़े होकर इंतजार करते हैं, तब भी कोई तय समय सीमा नहीं है कि उनको खाद मिल भी पाएगी या नहीं। न जाने आखिर कब इनकी ये परेशानी दूर होगी। किसान तो देश की शान है, पर इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि किसान सिर्फ और सिर्फ परेशान है। मुरैना से विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।